वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आईपीएल से ट्रेड विंडो की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप आईपीएल के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आरसीबी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि आरसीबी टीम एक ऑलराउंडर को ट्रेड करवाती हुई नजर आ सकती है इस ट्रेड विंडो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी ट्रेड विंडो ओपन है, वहीं पे आरसीबी कैमरन ग्रीन, जी हां कैमरन ग्रीन को ट्रेड करवाती हुई नजर आ सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। आप लोगों को जैसे मालूम है कि बहुत सारे फैंस ऐसा चाह रहे हैं कि आरसीबी टीम कैमरन ग्रीन को टारगेट कर ले अपनी टीम में। देखिए, अगर आरसीबी की टीम में कैमरन ग्रीन आते हैं तो आरसीबी का जो लो ऑर्डर है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग नजर आ जाएगा। देखिए, फिर आप लोग देखोगे कि आपके पास ग्लेन मैक्सवेल हो जाएंगे और वहीं पर आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाएगा जो लो ऑर्डर में आके अच्छी खासी हिटें मार सकता है। लेकिन एक बात इसमें निकल के आ रही है कि आरसीबी टीम क्या कैमरन ग्रीन को टारगेट करेगी या फिर ट्रेड करेगी। देखिए, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि क्या मुंबई इंडियंस उन्हें छोड़ना चाहती है। देखिए, छोड़ सकती है क्योंकि उनका पर्स बहुत ज्यादा है, लगभग मेरे हिसाब से 17.5 करोड़ का उनका पर्स है। देखा जाए तो सैम करन के बाद दूसरे नंबर पर वही दे आईपीएल मिनी ऑक्शन में, जो कि बहुत महंगे गए थे, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अमाउंट है। अगर मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज करेगी या फिर ट्रेड विंडो के लिए छोड़ देगी तो आरसीबी टीम शायद उनमें इंटरेस्टेड दिखाएगी, लेकिन हिसाब से इतनी ज्यादा जरूरत कैमरन ग्रीन की नहीं है फिलहाल आरसीबी टीम को। देखिए, अगर आप देखोगे आरसीबी टीम का बैलेंस तो मेरे हिसाब से अब आरसीबी के पास इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है कि वो किसी भी प्लेयर को ओवरपेड कर सके, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो प्लेयर वो ओवरपेड है, चाहे वो हर्षल पटेल हो चाहे वो वरिंद हुजरंगा हो। तो मेरे हिसाब से 17.5 करोड़ वो किसी भी ऑलराउंडर को नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग देखोगे उनकी टीम का बैलेंस कुछ इस तरीके से बना है कि वहां पर कैमरन ग्रीन फिट नहीं होंगे। देखिए, कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जब भी T20 खेलते हैं तो वहां पर ओपन करते हैं या फिर नंबर 3 आते हैं, और वहीं पर आप लोगों ने देखा कि मुंबई इंडियंस के लिए भी वो नंबर 3 आते हैं, तो आरसीबी के लिए नंबर 3 पर रजत पाटीदार आएंगे, विराट पाव ओपन करेंगे, नंबर 4 पे आप लोग ग्लेन मैक्सवेल खिलाओगे, तो फिर कैमरन ग्रीन की जगह नहीं बनती आरसीबी की टीम में। हाँ जी, अपडेट निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोगों को वीडियो बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।